हाय दोस्तों, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू कॉमिक ज़ोन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिटार के नेक बैंड रिपेयर करने के लिए एक बहुत ही अलग प्रोसेस को। जैसे कि आपको पता है, गिटार का अगर नेक बैंड हो जाए तो हम ट्रस रॉड से ट्राई करते हैं उसको रिपेयर करने का, या फिर हम ट्राई करते हैं कि अगर लकड़ी का फ्रेट बोर्ड है ट्रस रॉड से नहीं हो रहा है तो फ्रेट बोर्ड जो होते हैं उनमें से फ्रेट वायर निकाल के लकड़ी को सीधा करने का और फ्रेट वायर को वापस लगाने के बाद फिर उसको प्ले करने का ये तरीका। लेकिन जब इन सब से काम नहीं चलता है तो एक तरीका है जो पक्का काम आता है, वो है हीट से गिटार को रिपेयर करना। लेकिन ये प्रोसेस इंडिया में बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि हीट के थ्रू आप कैसे नेक बैंड को ठीक कर सकते हैं। तो हीट के थ्रू नेक बैंड ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक आपको एक जगह चाहिए होती है प्रॉपर जहाँ पे आप जो है अपने गिटार को लगा पाएँ। आपको कुछ खांचे चाहिए होते हैं जिनमें आप अपना गिटार को सेट करते हैं। गिटार को सेट करने के बाद आपको एक प्रॉपर जगह पे उसको सेट करना पड़ता है ताकि उसका जो फ्रेटबोर्ड हो वो सीधा आपको दिखाई दे और आप उसमें कुछ एडजस्ट करने के लिए कुछ लकड़ी लगा पाएँ। जब आप गिटार को अपनी पोजिशन पर सेट कर देते हैं उसके बाद आपको फ्रेट वायर के लिए एक सीधी लकड़ी की ज़रूरत होती है जो कि एकदम स्ट्रेट हो और मोटी हो जिसमें आप उसको लगा पाएँ। और उसके बाद क्या होता है, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। आप गिटार के ऊपर गर्म तौलिए या फिर प्रेस से गर्तौलियों के ऊपर पानी डाल के प्रेस से भी आप हीट अप्लाई कर सकते हैं और उसको आपने प्रेशर देना होता है, जिसके लिए आप जी क्लैंप या अलग अलग तरीके के क्लैंप का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो आपने खांचा बना रखे वहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर प्रेशर अप्लाई करके उसमें हीट ट्रांसफ़र करते रहते हैं ताकि गिटार जो थोड़ी ढीली पड़े और उसकी जो नेक है वो सीधी हो जाए। जब आप ये प्रेशर कांस्टेंट अप्लाई करते हैं आपको गिटार को थोड़े बहुत टाइम के लिए रखना पड़ता है किसी जगह पे, और उसके बाद क्या होता है, गिटार आप रखे रखते हैं उस पर प्रेशर लगता रहता है और इसके थ्रू आपका गिटार जो होता है उसकी नेक सीधी हो जाती है। जब ये गिटार की नेक सीधी हो जाती है उसके बाद भी थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो जो चीज़ है आप ट्रस रॉड से ट्राई कर सकते हैं। या ट्रस रॉड नहीं है आपके गिटार में तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेट वायर निकाल के आप वुड को सीधा करके अपने गिटार को ठीक कर सकते हैं। आप खुद नहीं कर सकते तो बाहर ये काम हो सकता है, लेकिन आपका गिटार पहले जो एकदम धनुष के जैसे टेढ़ा था उसकी कंपैरिजन में आप अब देखेंगे तो काफ़ी सीधा हो चुका होगा अगर आपने सही प्रोसीजर को फॉलो किया होगा। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गिटार नेक बैंड हीट के थ्रू रिपेयर करना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए प्रॉपर मटेरियल चाहिए आपको, एक स्ट्रक्चर चाहिए और एक जगह चाहिए जहाँ पे आप ये सारे काम कर पाए। क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए आपको, टूल्स भी चाहिए, एक जगह भी चाहिए और आपको सही तरीके से अप्लाई करने के लिए गाइडेंस भी चाहिए। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि ये प्रोसीजर फॉलो करके आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना अपने गिटार को नुकसान पहुंचाए अपना गिटार ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।